चरणन की मोहे लागी फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी चरनन की, मोहे लागी मानस का नित्य पारायण न्यास ध्यान से करना चाहिए या सीधा बता। देखो भाई, मानस का पारायण की विधि ग्रंथों में भी बताई, इवन रामचरित मानस में भी थोड़ा आगे आगे कुछ ऐसा कि ये न्यास करो, करण न्यास ने, फला न्यास ने, ध्यान करो ने, ये सब हैं। तो जिसको इसमें रुचि हो वो करें जरूर, इसमें कोई विधि, बाकी मैं तो इतना कहूँ विधि से ज़्यादा विश्वास से पाठ करो। विधि अच्छी वस्तु है, मैं इसका, लेकिन मैं कभी ऐसे बैठ जाऊं, मैंने कभी नहीं किया। बस तुम्हारा मुरारी बापू को तुम पूछ रहे हो तो तुम्हारा मुरारी बापू ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो बंदम गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, मैं तो संपुट के पक्ष में भी नहीं। लोग मानस के पाठ, ये अच्छी वस्तु है संपुट, क्योंकि लोग क्या मानस का पाठ करते भी संपुट इसी लेकर कि मनोकामना पूरी करने के लिए, एक पूरी चौपाई पूरी करेंगे फिर तुरंत सकल मनोरथ हो ही तुम्हारे, ये प्रलोभन और ये सब है नहीं। मानस का सीधा पाठ करो, अखंड पाठ करना है तो संपुट भी मेरी व्यक्तिगत राय में वर्ज्य है, व्यक्तिगत प्लीज, अखंड नहीं रहता, तुम तोड़ देते। सीधे सीधे चलो ना यार, ये मेरा व्यक्तिगत है भाई, आपको रुचि हो तो जरूर कहे, कैसे भी मानस का पाठ करो, बस विधि से करो, विश्वास से करो, जैसे करो, लेकिन मेरी दृष्टि में इसकी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा जरूरत हो। साथ साथ पूरा कर दो, हाँ कुछ कोई श्रोताओं ने मुझे लिखा है कि बापू आप कल रामकृष्ण मिशन में, काले तो मैं रामकृष्ण मिशन में आया, ये पहला हमने बधाने अंदेश हो तो कि तमे अहीं आवशो, अने तमे आया पण जेम अमीर खुशरो ने एनी पीरनी खुशबू आवी एम तमे नीचे आया अने अम वया गया, पण अमने केम खुशबू न आवी, तमने खोखड़ियो थी हे, आ खोखड़िया नु हिंदी नो था, एनु अंग्रेजी तो थाय ज नहीं, खोखड़ियो एटले जामी गेलो कफ, जिसको बहुत सर्दी हो जाती है उसको खुशबू नहीं आती, खोखड़ियो थयु हे, खमखमी गया छो, ए बीजो पाणा जेवो शब्द काठियावाड़ नो, खमखमी नहीं, मैं तो विनोद कर रहा हूँ, बाकी लिखा है मुझे, तो ये बात हो गई। बापू क्या सुबह सुबह का सपना पूरा होता है? सूरत सपने आंख खुली और टूट गया। बापू क्या सुबह सुबह का सपना पूरा होता है? यदि होता है तो कृपया मेरे 38वीं साल गिराह में जो कि 3 फरवरी को है, आपके आशीर्वाद की चाहना रखता हूँ।
कृपया मेरी चाहत पूरी कर दीजिए। बापू मैं मूढ़ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्वागत 29/12 को सुबह सुबह सपना आया कि आप मेरे घर आए हैं। मुझे चरण स्पर्श का मौका मिला। वैसा ही स्वप्न 3 बार आ चुका है। तो बापू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुबह सुबह का सपना यदि पूरा होता है तो आप कब आओगे? 38 बार सपना आवशे पछी कई मिलक। मेरी बात छोड़ो, अच्छे सपने में कोई महापुरुष, मेरी बात छोड़ देना प्लीज, ये तो आपकी श्रद्धा का, लेकिन आपको सुबह सुबह में ठाकुर सपने में आए, नानक देव सपने में आए, बुद्ध भगवान सपने में आए, तो ये सपना पूरा ही हो गया। सीधा आवे तो तमें भागी जासो, ये सपना में आवे ये सारू, रामचंद्र भगवान सपना में आवे ये सारू, धनुष्मान लेने आवे तो मारीचनी जेम अपने भागी जाई साहब। सोचो अच्छा सपना, ये सपना सच्चा ही है और क्या, सपना सच्चा पड़े कि न पड़े छोड़ो, लेकिन अच्छा सपना वो सच्चा है और क्या। तुमने तो आवा सपना आया करे। मारे क्या क्या जाऊं मैं, तुम सपना में रहूं तो पछी कथा क्या करूं। मंगल का अर्थ यदि शुभ होता है तो किसी के जीवन में मंगल दोष होता है तो उसे बहुत बहुत संकट झेलने पड़ते हैं। क्यों मंगल दोष होता है, क्यों ये ग्रह परेशान करते हैं? हाँ ऐसा कहते हैं तुम्हारा मंगल, तुम्हारे जीवन में मंगल दोष है ऐसा ऐसा, लेकिन देखो भाई ज्योतिष मेरा क्षेत्र नहीं है, इस शास्त्र को मैं प्रणाम करता हूँ, उसको बहुत आदर देता हूँ, लेकिन उसमें न मेरी कोई रुचि है, न मेरा कोई अभ्यास है, न उसमें मेरी कोई गति है, और सच कहो तो मंगल भवन अमंगल द्रव सुदश मंगल भव अमंगल उमा सहित जगि जबत मंगल करनी मंगलायतनो हरि। प्रणाम, जय सियाराम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम, जय सियाराम।